नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कुरकुरे चिप्स, जो ज़्यादा ही खाते हैं जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो वो कैसे इफेक्ट करता है हमारा, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और एक पेरेंट्स ही बच्चों को जहर ही खिला रहे हैं एक तरीके से, निराला ही अपने हाथों से ही, जितना ज़्यादा हो सके इन कुरकुरे चिप्स को बच्चों को कम दें ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होए। डायबिटीज़ के केस भी इतने बढ़ गए हैं, ओपेसिटी के केस भी इतने बढ़ गए हैं, सभी के केस इतने बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बैड खाने की हैबिट की वजह से, हमारे दिनचर्या की वजह से हम एक्सरसाइज नहीं करते, पानी नहीं पीते, सिर्फ खाते ही रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो 5 दिन बाद डाली है, तो कुछ टाइम नहीं लगा था और ना ही टॉपिक सूझ रहा था कोई, तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं उन लोगों के लिए जो कुरकुरे चिप्स लेज बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा अपने बच्चों को देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा रो रहा होता है कि यार चल कुरकुरे दिलवा लें, जो चिप्स दिलवाए लेज दिलवा लें, या हम कहीं रिश्तेदारियों में जाते हैं तो साथ कई बार ये लेके जाते हैं, लेज वगैरह होगी, चिप्स लगेगी कि उसके लिए ले जाएंगे। हम तो अपने प्यार की तरफ से ले रहे हैं कि उसको अच्छा लगेगी, वो खाता है ये चीज़ें, पर वही वो चीज़ें ना कुछ जैसे कुरकुरे चिप्स लेज के अंदर होती हैं, एडिटिव्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज हो गया और एस्पार्टाम हो गए, काफ़ी हो गए रिसर्चेज के अकॉर्डिंग, तो ये इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा वीक करते हैं। और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से ना यार बीमारियाँ लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर कोई बच्चा बीमार हो गया ना, ये खांसी होगी, खांसी में भी नहीं रुकते बच्चे, यार इतने बुरे हाल हो रहे हैं, और इसके जिम्मेदार हम ही हैं क्योंकि हम ही उनके प्रोवाइड करते हैं शुरू से, अगर हम डालते हैं उनकी या देख रेख में करते हैं। बच्चे के किस क्यों खाता है, क्योंकि वो उसके साथ वाला भी खा रहा होता है, साथ वाला क्यों खा रहा होता है, क्योंकि हम उसे लेके देते हैं, जैसे स्कूल में जा रहा है बच्चा, नहीं जा रहा तो लेज ले जा भाई अपना, ताकि बच्चा स्कूल चला जाए। पर ये जो सी हम आदत बढ़ा रहे हैं ना, उनकी फ्यूचर में जाके उन्हीं को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जैसे अब रिकवरी में बहुत टाइम लग रहा है, बच्चों की खांसी होगी या जुकाम हो गए, कोई भी चीज़ बुखार होगी, हफ्ता हफ्ता 10 दिन लग रहे हैं अब के टाइम में कंपेयर टू पहले। और सेफ के इंजेक्शन लगते हैं, जो सूखे टिक्के कह देते हैं हमारे यहाँ पर लगते हैं, हाथ के हथेली पे लगते हैं, फिर कैनूला आई वी फिक्सेटर ला के यहाँ पर इंजेक्शन लगते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, और ओबेसिटी के कारण हो रहे हैं, मोटापा हो रहा है, बहुत बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि आपको एक बार दिखा देता हूँ रिसर्च के अकॉर्डिंग कि क्या क्या हमारी रिसर्च कहती है, कि जिसके अकॉर्डिंग ये हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। इम्यून सिस्टम अगर वीक होएगा ना, तो भाई तो बीमारियाँ पकड़ने के चांसेस सभी ज़्यादा होंगे। हम फ्रूट्स नहीं देते, लेके तो आते हैं हम फ्रूट्स अपनी तरफ से, तो पर वो खाते ही नहीं फ्रूट्स, तो वो हमें उन्हें शुरू से याद डालनी पड़ेगी ताकि वो फ्रूट्स खाएँ, हेल्दी खाना खाएँ, ताकि वो उनका फ्यूचर इम्यून सिस्टम सेफ हो। हम कहते हैं यार कि खा लें आज, क्योंकि हम भी फास्ट फूड खाते रहते हैं, ज़्यादा खाते रहते ही हैं, कि चल 2 दिन की ज़िंदगी है कि क्या है पता लगता है, पर वो 2 दिन की ज़िंदगी भी ना हम अगर अच्छे से जिए ना, तो इन बाहरी चीज़ों से बच के जिए। कुरकुरे चिप्स ज़्यादा ना ही खाएँ, लिमिटेड अमाउंट में खाओ, नहीं खाएँ अगर हम ज़्यादा चीज़ें, जैसे मीट वगैरह होगी, बहुत खतरनाक होता है मीट में हमारी सेहत के लिए, क्योंकि ये किसी को मीट ऐसी चीज़ है, हम पहले तो इसलिए खाते थे कि खाने का कुछ नहीं होता था हमारे पास आदिवासी टाइम पे, तो अब हम खाते हैं, हम अपने स्वाद के लेते कहते हैं कि बॉडी बनेगी, छोटी बनेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी किसी के जीव को, किसी की हत्या करके या उसी को नुकसान पहुंचा के हम अगर इनटेक कर रहे हैं, तो वो नुकसान ही करेगी हमारा फ्यूचर में, और हमें इसका लेखा देखा यहीं पर देना पड़ेगा। तो आपको बताते हैं लेज कुरकुरे चिप्स हमारे क्या करते हैं, बॉडी को वीक करते हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हो मेडिकल न्यूज़ टुडे पे, ये 2017 रिसर्च के अकॉर्डिंग फाउंड, जिनसे ये कुरकुरे चिप्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर एडिटिव्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, जो मेटाबॉलिक कंडीशन को हमारी हार्म करते हैं, जैसे इसमें काफ़ी एडिटिव्स हो गए, सुक्रालोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, एस्पार्टाम, पॉलीसॉर्बेट 80, सोडियम और कार्गिनिन, और इसी की वजह से इन डाइट अगर जो कुछ ज़्यादा ले रहा है बच्चे इनका, या कोई भी बड़ा भी ले सकते हैं हम कहते हैं, तो इम्यून रिलेटेड इन्फ्लेमेशन होगी उसको, रेजिस्टेंस होगी, खारिश वगैरह तो बहुत ज़्यादा होगी। और 2014 की रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन इनटेक कर रहा है ज़्यादा नमक, ज़्यादा शुगर, सैचुरेटेड फैट और ओमेगा 3 फैटी एसिड कैन डैमेज द इम्यून सिस्टम, को डैमेज कर सकती है, और इससे ही हमारी सारी बीमारियां पैदा होगी, ओबेसिटी वगैरह होगी, शुगर वगैरह होगी, बहुत ही बीमारियां पैदा होती हैं इससे। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि इन चीज़ों को बहुत ही कम देना शुरू करो, और अपने बच्चों की हेल्थ की तरफ ध्यान दो,
क्योंकि हम अपने हाथों से ही उनको जहर ही खिला रहे हैं एक तरीके का, ये जो आगे जाके उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हाई रिस्क ऑफ हार्ट के डिजीज़ को हाई कर देगा। हम चॉकलेट वगैरह खा ला देते हैं, बच्चों को चॉकलेट खा ले, स्वीट्स फ्लेवर मिल्क डेयरी प्रोडक्ट, तो ये सब भी इम्यून सिस्टम को वीक कर रहे हो। तभी आजकल बच्चों की इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो गया कि हल्की सी हवा लग गई तो बीमार पड़ गया। तो उनके इम्यून सिस्टम पर काम करो, और इनसे अच्छा, इन कुरकुरे चिप्स से अच्छा उनके लीवर वगैरह के कई कोई मेडिसिन यूज़ करो। ये नहीं कहता प्रमोट नहीं करना, वो नेचुरल भी कर सकते हो। अपना हिमालय की टैबलेट आ गई है, लीफी फ्रूट टैबलेट हो गई, अगर छोटा बच्चा है लीफी फ्रूट ड्रॉप्स भी आते हैं, सिरप भी आता है, तो उनको करो ताकि इनसे तो पहले बचे, और उनका जो इनकी वजह से कुरकुरे चिप्स खाने की वजह से जिनका लीवर या इम्यून सिस्टम वीक हो गया है तो उसका बेहतर होए। और उन्हें हेल्दी चीज़ें दो, नारियल पानी जरूर दो उन्हें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो उन लोगों के साथ शेयर करो जो अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें देते हैं, ताकि वो भी जागरूक होएं और इन चीज़ों को कम दें और हेल्थ की तरफ ध्यान ध्यान दें, वरना भुगतना हमें ही पड़ेगा। बाद में जाके हम परेशान होते हैं, फिर माँ बाप परेशान होते हैं जब बच्चा बीमार होता है। तभी तो इतनी वैरायटी आ गई है किराने वाले स्टोर में, क्योंकि डिमांड इनकी ज़्यादा है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो किराने की दुकानें भी ज़्यादा होंगी। भाई मैं तो प्रेफर नहीं करता इन चीज़ों को ज़्यादा, मैं कभी कभार खा लेता हूँ पर इतना भी नहीं खाता कि ये है हानिकारक हो हमारे शरीर के लिए। आपको भी नहीं खिलानी है बच्चों को ऐसी चीज़ें, कुरकुरे चिप्स बहुत ही चीज़ें आ गई हैं। सेहत का ध्यान रखते हुए हमने ये नहीं खिलानी। ये लिख तो देते हैं इसमें फाइबर है, प्रोटीन है, ट्रम्स ट्रम्प चीज़ें कि कुछ खास नहीं होता, पर इसमें और एडिटिव्स डले होते हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं होते, जो इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं बच्चों को। और ऐसे ही इनके बर्गर कुरकुरे ये पिज्जे या ट्रम्स ट्रम्प चीज़ें की डिमांड इतनी बढ़ गई है, जो कभी कभार तो लेने में सही है पर ये नहीं कि चली रही है हफ्ते में चली रही है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को वीक करेगी। ना हम पानी ज़्यादा पीते यार कि हमारा क्लियरिफाई हो जाए, डिटॉक्सीफाई हो जाए बॉडी, और ना ही हम ये खाने से छोड़ते हैं। बाहर जाते हैं तो यही मिलता है कि इससे पेट तो भर जाएगा, अपना केला खा लो या कुछ खा लो। कभी कभार तो स्वाद के लिए चीज़ें खानी भी चाहिए कि टेस्ट तो करना चाहिए, पर इतना भी डिपेंड नहीं हो इन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।